दोस्तों, हमारा चैनल आपको एक्टिंग और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से देता रहता है। यहाँ इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले पूरी जानकारी है, आप इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। तो कैसे बने एक्टर, बनने के सफर में जो पहला कदम होता है वो होता है सही शुरुआत कैसे करें। ज्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं होता और टीवी में किसी सीरियल या फिल्म के एक्टर को देखकर सोचने लगते हैं कि बस अब मैं भी एक स्टार बन जाऊंगा, बस निकल पड़ते हैं मुंबई। लेकिन वहां पहुंच के पता लगता है कि यहां तो कहानी फिल्म की कहानी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सबके परिवार की स्थिति अलग अलग होती है। इसीलिए सबसे पहली सलाह यही है कि बस चकाचौंध देखकर कोई गलत कदम मत उठाओ, अपने करीबी दोस्तों और परिवार वालों की सहमति से और सोच समझ कर सही शुरुआत करो, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करें। इसके बाद जो अगला कदम होता है वो होता है एक्टिंग स्कूल। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए उस क्षेत्र की शिक्षा लेना कितना जरूरी है ये सभी को पता है। उसी तरह एक्टर बनने की भी पढ़ाई होती है, जिसमें आपको एक्टिंग के गुर सिखाए जाते हैं। कोई जन्मजात एक्टर नहीं होता, सब यही सीखते हैं। आप जितने भी एक्टर्स के बारे में जानेंगे तो यही पाएंगे कि ज्यादातर एक्टर्स ने किसी न किसी स्कूल से एक्टिंग की पढ़ाई की है, तभी आज एक सफल एक्टर के रूप में फिल्मों में नाम कमा रहे हैं। इसीलिए अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करें। क्या एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना जरूरी है? दोस्तों, जब एक्टिंग स्कूल की बात होती है तो कई बार ये भी सवाल आता है कि क्या एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना जरूरी है। तो इसका जवाब है नहीं, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी कलाकार हुए हैं जो कभी किसी स्कूल नहीं गए लेकिन फिर भी एक्टिंग में अपना नाम बनाया, लेकिन वो समय दूसरा था और आज का समय दूसरा है। एक्टिंग स्कूल में आपको कुछ घोल बना के पिलाते नहीं है जिससे आप एक्टर बन जाओगे, बल्कि एक्टिंग स्कूल से आपकी कला में और निखार आता है जो आपके संघर्ष में 100% काम आता है। इसीलिए कोई ना कोई एक्टिंग स्कूल जरूर ज्वाइन करें जिससे आप अपने आप को और बेहतर बना सकें। कौन सा एक्टिंग स्कूल चुनें? जब ये चुनने का टाइम आता है कि आखिर कौन से एक्टिंग स्कूल में जाएं, तो हजारों सवाल मन में आते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्कूल इतने महंगे हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार के लिए उसमें एडमिशन का सपना बस सपना ही रह जाता है। और हम जहां तक जानते हैं आप में से ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से ही होंगे। खैर, एक्टिंग स्कूल के फीस की बात की जाए तो ज्यादातर महंगे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही कम फीस लेते हैं। उन्हीं में से एक है जो कि देश का सबसे बड़ा एक्टिंग स्कूल माना जाता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये स्कूल दिल्ली में है और सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इसीलिए इसकी फीस बहुत ही कम है। लेकिन इसमें केवल 26 सीटें ही होती हैं, जिसके लिए पूरे देश से हजारों और लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन एडमिशन बस 26 को ही मिल पाता है। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसके अलावा भी काफी स्कूल हैं, आप अपने बजट और फीस के हिसाब से उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे, अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल मुंबई, किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई, एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन AAFT नोएडा, इंडियन स्कूल ऑफ एक्टिंग ISA गाजियाबाद, द बैरी जॉन एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई, दिल्ली फिल्म इंस्टीट्यूट दिल्ली, भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ, क्रिएटिंग कैरेक्टर्स एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई। अब बात, क्या एक्टर बनने के लिए आर्टिस्ट कार्ड जरूरी है? आर्टिस्ट कार्ड बनवाने का क्या फायदा है, ये जानने से पहले हर एक एक्टर एक्ट्रेस को ये जानना जरूरी है कि आर्टिस्ट कार्ड क्या होता है। जब एक एक्टर एक्ट्रेस इंडिया या इंडिया के किसी भी हिस्से में शूट करता है, उसके पास आर्टिस्ट कार्ड होना जरूरी है। यही कार्ड बताता है कि आप एक एक्टर एक्ट्रेस हैं। यह आर्टिस्ट कार्ड भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित एसोसिएशन के द्वारा जारी किया जाता है। आर्टिस्ट कार्ड इशू करने वाली ये एसोसिएशन भारत सरकार या राज्य सरकार के श्रमिक संघ अधिनियम 1926 और 1860 के अंतर्गत संचालित होती है। आर्टिस्ट कार्ड बनवाने के क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा तो यही है कि ये आर्टिस्ट कार्ड एक एक्टर एक्ट्रेस का आइडेंटिटी कार्ड है, जो ये बताता है कि आप एक एक्टर एक्ट्रेस हैं। वैसे ही जैसे किसी स्कूल का इट कार्ड ये बताता है कि आप इसी स्कूल में स्टडी करने वाले हैं या आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करने वाले हैं। खुदा भगवान ईश्वर कभी ऐसा न करे कि आप शूटिंग करते टाइम आप किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या आप मर जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जिस एसोसिएशन के भी मेंबर है वो एसोसिएशन उस प्रोड्यूसर से आर्टिस्ट को या आर्टिस्ट के परिवार को मुआवजा दिलाने में मदद करती है। और अगर आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी में बीमा करवाया हुआ है तो ASSOCIATION उस इंश्योरेंस कंपनी में जाकर आपको दुर्घटना का मुआवजा आपको या आपके परिवार को दिलवाती है। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि यदि किसी एसोसिएशन के कोई मेंबर बीमार है और उसके पास इल्जा करवाने के पैसे नहीं हैं, तो एसोसिएशन अपने दूसरे मेंबर की हेल्प लेकर या खुद अपने बीमार मेंबर की हेल्प भी करती है। जब एक एक्टर एक्ट्रेस किसी फिल्म, टीवी सीरियल या एड में काम करता है तो आपको मेहनताना मिलता है। शूटिंग करने के 30 से 90 दिन में आपको मेहनताना मिल जाना चाहिए। कभी कभी कोई प्रोड्यूसर आपको आपका मेहनताना देने में आनाकानी करता है या पैसे कम देता है जो आपसे तय किया गया था, तो ऐसे कंडीशन में उस प्रोड्यूसर के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको एसोसिएशन आपका मेहनताना प्रोड्यूसर से लेने के लिए कानूनी कार्यवाही करके आपको आपका पैसा दिलाएगी और तरह से परेशान करने वाले प्रोड्यूसर को पनिश भी करती है। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि एक्टर एक्ट्रेस को परेशान करने वाले प्रोड्यूसर को एसोसिएशन ने पनिश किया है।
इसके अलावा जो किसी एसोसिएशन में रजिस्टर्ड मेंबर है जिसके पास आर्टिस्ट कार्ड है, वो अपनी एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रोग्राम, वर्कशॉप, फेस्टिवल्स, एंटरटेनमेंट शोज, अवार्ड सेरेमनीज, अवार्ड शोज आदि में जाने का मौका भी आपकी एसोसिएशन आपको देती है, जहाँ जाकर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। और मैं तो कहूँगा कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता ही है। आर्टिस्ट कार्ड कहाँ से बनाए? आर्टिस्ट कार्ड बनाने के लिए आपको ऑफिस एड्रेस और फोन नंबर दिया हुआ है। आप डायरेक्ट बात करके या एसोसिएशन के ऑफिस में जाके आर्टिस्ट कार्ड बना सकते हो। किसी एजेंट से आर्टिस्ट कार्ड न बनाए, खुद अपना आर्टिस्ट कार्ड बनाए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने आर्टिस्ट कार्ड बनवाने वालों के एड्रेस दिया है। क्या एक्टर बनने के लिए पोर्टफोलियो जरूरी है? इन सब के बाद एक और बात जिसके बारे में लोगों के मन में सवाल होते हैं कि क्या एक्टर बनने के लिए पोर्टफोलियो जरूरी होता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग अपना पोर्टफोलियो बनवाने के लिए बड़े बड़े फोटोग्राफर के पास जाते हैं और हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं केवल अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, और ये सोचते हैं कि बस अब तो काम मिल ही जाएगा, अब तो मेरे पास पोर्टफोलियो है। तो आपके दिमाग में भी ऐसी बात आए तो जरा ये सोचिए कि जो लड़के लड़कियां मुंबई में संघर्ष कर रहे हैं और जो करते हैं, उनमें से कितने अमीर परिवार से होंगे और कितनों ने तो लाखों के पोर्टफोलियो बनवा लिया होगा, तो क्या उनको काम मिला? नहीं ना। क्यों? क्योंकि एक एक्टर के लिए पोर्टफोलियो से जरूरी उसका काम और मेहनत होती है। कहीं किसी सच्चे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के पास जाएंगे तो वो आपके पोर्टफोलियो के बारे में पूछेगा ही नहीं, वो आपकी एक्टिंग देखेगा, आपका लुक देखेगा कि आप उस रोल के लिए सही हैं या नहीं। सही लोगों से संपर्क बनाए। काफी बार जो नए लोग होते हैं कि उनसे बस कोई झूठ भी बोल दे कि हम आपको काम देंगे, तो बस वो मानो अपने आप को स्टार मान ही लेते हैं और उसके लिए उस अनजान आदमी को पैसे भी देने को तैयार हो जाते हैं। आर्टिस्ट कार्ड बनाने के नाम पर पैसे दे देते हैं। यही गलती उनके लिए भारी पड़ जाती है और फिर हाथ लगता है सिर्फ पछतावा। हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई भी आपसे बोलता है कि हम आपका ऑडिशन करेंगे और पक्का आपको फिल्म में काम देंगे, बस आपको उसके लिए 30,000, 40,000 या इतने इतने पैसे देने होंगे, तो इन लोगों की बात में कभी भी मत आइए। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो सही आदमी होता है को कभी ऑडिशन के लिए पैसे नहीं मांगता और कभी भी ऑडिशन के लिए पैसे लिए भी नहीं जाते, बल्कि सही आदमी और सही प्रोडक्शन हाउस आपको पैसे देते हैं आपके काम के लिए। तो कभी भी ऐसे लोगों की बातों में ना आए। अगर कभी भी कोई खुद के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होने का दावा करता है और कहता है कि वो आपको काम दिला देगा, तो सबसे पहले आप उसे कहिए कि वो अपना काम दिखाए कि उसने कहाँ कहाँ काम किया है और किन किन लोगों के साथ काम किया है। उसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए इंटरनेट पर उसके और उसके प्रोडक्शन हाउस के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बाकी आप लोग खुद इतने समझदार तो हैं ही कि किसी के बात से पता लगा सकें कि कौन आदमी सच्चा है और कौन फ्रॉड है। कुल मिलाकर सही लोगों से संपर्क करें और खुद प्रोडक्शन हाउस में जाकर पता करें, क्योंकि अगर सफलता चाहिए तो मेहनत आपको भी करनी होगी। एजेंसी से जुड़े एक्टर बनने के राह में हर एक चीज पर नजर रखनी पड़ती है, उसी तरह है एजेंसी। अपने शहर में ही पता करें कि कहां किसी फिल्म की शूटिंग हो रही और अगर हो रही है तो किस एजेंसी ने वहां सब सुविधा उपलब्ध कराई है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से जुड़ें और उनसे टच में रहे ताकि आने वाले ऑडिशन और फिल्म की जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि आजकल बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास एजेंसी भी एक्टर्स लेकर जाती हैं। इसीलिए हमेशा इस क्षेत्र के हर किसी से जुड़ाव रखें और एक्टिव रहें। थिएटर ज्वाइन करें। आपके शहर में कहीं ना कहीं थिएटर ग्रुप्स और थिएटर कंपनी तो जरूर होंगी जो प्ले करती हैं। उन ग्रुप से बात करिए और उस ग्रुप के साथ जुड़िए, क्योंकि थिएटर ग्रुप से भी एक्टिंग का बहुत अनुभव होता है और वहाँ पर सभी एक्टर्स के बीच रहकर आप अपने आप के बारे में भी जान सकेंगे कि आप कितने पानी में हैं और आपको अभी कितना सीखना बाकी है। इसीलिए थिएटर ग्रुप बहुत मददगार साबित होता है एक्टिंग के गुर सीखने के लिए। ऑडिशन देते रहें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब पूरे साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन आखिरी में एग्जाम देना ही पड़ता है, तभी हमारे टैलेंट का पता चलता है। एक्टिंग में भी इसी तरह है। एक्टिंग सीखने के बाद बहुत लोग उतावले हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब बस काम मिल ही जाएगा और कल को मैं स्टार बन जाऊंगा। लेकिन ये बस सोचने में ही अच्छा लगता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक्टिंग में भी सफलता हासिल करने के लिए ऑडिशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऑडिशन ही है जिसके बल पर आपको काम मिलेगा। अपने आसपास पता करते रहें, खुद प्रोडक्शन हाउस जाकर पता करें कि कहां ऑडिशन हो रहे। बस लगातार ऑडिशन देते रहें, क्योंकि ऑडिशन के बल पर ही आप एक सफल एक्टर बन सकेंगे। निराश ना हो और मेहनत करते रहें। अब तक आप समझ गए होंगे कि एक्टर बनने के सफर में क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। इसके बाद भी ज्यादातर लोगों को जब लगातार ऑडिशन देने पर भी काम नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं। कभी भी निराश ना हो, क्योंकि ये फील्ड ऐसी ही है कि इसमें सफलता मिलेगी या नहीं ये तय नहीं होता। इसीलिए अपने आप को इन सब चीजों के लिए पहले से तैयार रखें और बस लगातार मेहनत करते रहें। अगर सच में ठान लिया है तो फिर एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी।